हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज है वैलेंटाइन डेज, तो चलिए आज के दिन बनाते हैं एक बहुत ही टेस्टी सा ब्रेकफास्ट। तो मैंने आज बनाया है हर्ब गार्लिक टोस्ट। तो इसे बनाने के लिए मैंने ले ली है एक ब्रेड, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, मैंने वाइट ब्रेड ली है। इसी के साथ ही हमें चाहिए एक कटर, तो मेरे पास ये हर्ट शेप का कटर पड़ा हुआ था। तो आपके पास कोई भी कटर जो है वो ले सकते हैं, नहीं तो आप नाइफ से भी इसे हर्ट शेप में कट कर सकते हैं। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया है, कितनी अच्छी हमारी ब्रेड की शेप बनी है। तो इसी तरह से मैंने दूसरा भी कट कर लिया था। अब इसके ऊपर मैंने लगाया है गार्लिक बटर। बटर में मैंने गार्लिक को बारीक बारीक कट करके डाल दिया था और इसे अब हम ब्रेड के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर मैंने डाल दिया है मोज़रेला चीज़। तो दोनों ब्रेड पर मैंने अच्छे से चीज़ डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से स्वीट कॉर्न। आप चाहें तो इसके ऊपर प्याज भी डाल सकते हैं या फिर अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। और साथ ही में डाल देंगे इसमें हम बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी नई वीडियोस डालूं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए अब इसके ऊपर हम डाल देंगे ओरिगैनो, आप चाहे तो मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हैं। साथ ही में डाल दी हैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। हल्का सा मैं इसके ऊपर नमक डालूंगी और बस अब इसे मैं करूंगी एयर फ्रायर। आप चाहें तो इसे तवे पर भी सेक सकते हैं। तवे पर रखकर आप इसके ऊपर एक ढक्कन रख दें जिससे चीज़ जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो मैंने इसे एयर फ्रायर में 3 मिनट के लिए रख दिया था। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरी और भी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए टोस्ट हमारे बन रहे हैं, तब तक हम बना लेते हैं एक ड्रिंक। तो एक कप में मैंने डाला है रोज़ सिरप, तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें रोज़ सिरप डाल दिया है। अगर आपके पास रोज़ सिरप नहीं है तो आप इसकी जगह रूह अफ़ज़ा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे दूध, इसे हम अच्छे से कर देंगे एक बार मिक्स। और ये ड्रिंक आप ज़रूर बनाकर देखिएगा, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो इसे सर्व करने के लिए मैंने थोड़ा सा रोज़ सिरप इसके ग्लास के चारों तरफ हल्का सा स्प्रेड किया है। इसके बाद इसमें हम दूध डाल देंगे। दूध में मैंने चीनी नहीं डाली है क्योंकि मैंने रोज़ सिरप डाला है और सिरप में ऑलरेडी मीठा होता ही है। इसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी आइसक्रीम। और बस इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम। और व्हिप्ड क्रीम में भी मैंने थोड़ा सा रोज़ एसेंस डाला था। और ये लीजिए, हमारी ड्रिंक भी बनकर रेडी हो गई है। और देखिए टोस्ट भी हमारे बनकर रेडी हो गए थे, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बने थे। आप भी वैलेंटाइन डे के दिन ब्रेकफास्ट में इसको ज़रूर बनाकर देखिएगा। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।